एक विशेष समुदाय के पीछे अगर कोई एप्लीकेशन जाती है तो, या कोई केस दर्ज हो जाता है तो, कोई भी मामला हो जाता है तो मांग उठने लगती थी कि बुलडोजर चलाया जाए, बुलडोजर चलाया जाए। एक पिता का एक जिद्दी बेटा हो सकता है, लेकिन अगर इस आधार पर जमीन पर बना घर गिरा दिया गया तो ऐसा करना सही तरीका नहीं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कवि न्यूज पे, मैं हूं जितेंद्र कमल। 17 सितंबर हो सकता है जो घरों पे बुलडोजर चल रहे थे उस पे रोक लग जाए। ऐसा हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा फैसला सुना दे कि जो कथित मामलों में जो अपराधी हो जाते थे उनके घरों पे जो बुलडोजर चल जाता था उस पे एक दिशा निर्देश आ जाए। जी हाँ, मैं सही कह रहा हूं। बुलडोजर नीति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। 2 सितंबर मतलब आज सुनवाई होती है और उस पर बहुत कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कहा और उसमें एक लाइन यह भी दी कि अब इस पर दिशा निर्देश बनाने की जरूरत है कि आप अगर व्यक्ति दोषी है तो भी उससे पूरी प्रक्रिया करने के बाद आप उस पर बुलडोजर चला सकते हैं, या जब ऐसी जगह भी बुलडोजर चलाया गया कि बेटा अपराधी था और पिता का घर गिरा दिया गया, ये सब शायद 17 सितंबर के बाद नहीं होगा। एक सुनवाई हो रही थी और सुनवाई में क्या कुछ कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, पहले मैं वो आपको बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भले ही वह दोषी है फिर भी कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना ऐसा नहीं किया जा सकता है। मतलब जब प्रक्रिया का आप पालन कीजिए, हम अखिल भारतीय स्तर पर कुछ दिशा निर्देश बनाने का प्रस्ताव करते हैं ताकि उठाए गए मुद्दे के बारे में चिंताओं का ध्यान रखा जा सके। ये किसने कहा है? ये जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस केवी विश्वनाथन ने कहा है। दूसरा, उन्होंने अदालत ने कहा है कि एक पिता का एक जिद्दी बेटा हो सकता है, लेकिन अगर इस आधार पर जमीन पर बना घर गिरा दिया गया तो ऐसा करना सही तरीका नहीं है। ऐसा विध्वंस तभी हो सकता है जब ढांचा अवैध हो, यह भी कहा है जस्टिस केवी विश्वनाथन ने कहा है। विश्वनाथन ने और कहा कि ऐसे मामलों से बचने के लिए निर्देश क्यों नहीं पारित किए जा सकते हैं? पहले नोटिस, फिर जवाब देने का समय, फिर कानूनी उपाय तलाशने का समय, फिर सबसे बाद में विध्वंस। तो ये बहुत बड़ी बात आज सुप्रीम कोर्ट ने कही है, बहुत बड़ी बात कही है। आप लगातार देख रहे होंगे कि एक विशेष समुदाय के पीछे अगर कोई एप्लीकेशन जाती है तो, या कोई केस दर्ज हो जाता है तो, कोई भी मामला हो जाता है तो मांग उठने लगती थी कि बुलडोजर चलाया जाए, बुलडोजर चलाया जाए। और अगर कहीं कुछ आगे प्रक्रिया बढ़ रही है तो उसमें बुलडोजर उसमें आ जाता था। कई कथित मामले ऐसे थे जिसमें बुलडोजर सामने आ जाता था और चल जाता था। इस पे सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला वाकई काबिले तारीफ है। पहले आप पूरी प्रक्रिया पूरी कीजिए, FIR कीजिए, आप उसे दोषी ठहराइए, फिर सजा, फिर विध्वंस। वो भी विध्वंस कब? जब अवैध हो तब, अदरवाइज विध्वंस नहीं हो सकता। बहुत से वकील थे और उत्तर प्रदेश के सॉलिसिटर जनरल थे तुषार मेहता, वो भी गए हुए थे। उन्होंने भी कहा कि हम विध्वंस करने से पहले एक नोटिस देते हैं। तो जज साहब ने कहा ठीक है, नोटिस देते हैं, हम अवैध ढांचों को बढ़ाने के लिए ये प्रक्रिया नहीं कर रहे, हम अवैध ढांचे बन रहे हैं उनको गिरना चाहिए, लेकिन इस तरीके की जो प्रक्रियाएं हो रही हैं इस पे एक दिशा निर्देश होना चाहिए। इसी पे जमीयत उल हिंद की ओर से पेश वरिष्ठ वकील दुष्यंत देव ने कहा कि अप्रैल 2022 में दंगों के तुरंत बाद दिल्ली के जहांगीरपुरी में कई लोगों के घरों पर इस आरोप में उनके घर ध्वस्त कर दिए गए कि उन्होंने दंगा भड़काने का काम किया। आप समझ सकते हैं ना, दंगा भड़काने का काम किया है। इस लिहाज से आप समझ सकते हैं ना कि दंगा भड़काने का काम किया है, प्रूफ नहीं हुआ है लेकिन उनके घर तोड़ दिए गए थे। अधिवक्ता है चंद्र उदय सिंह, उन्होंने वही मुद्दा उठाया जिसमें मैंने आपको कहा कि एक व्यक्ति का घर इसलिए तोड़ दिया जाता है क्योंकि किराएदार के बेटे पर कथित अपराध का आरोप था। यह उदयपुर का मामला था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें सख्त
टिप्पणी किया और कहा है कि सार्वजनिक सड़कों पर बाधा डालने वाली किसी भी अवैध बिल्डिंग की सुप्रीम कोर्ट रक्षा नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों से पूछा है कि सिर्फ इसलिए किसी का घर कैसे गिराया जा सकता है कि वह आरोपी है। तो अदालत ने इन सब पूरी प्रक्रिया को देखा और इसके बाद अब यह निर्णय लिया है कि अब इस पे दिशा निर्देश बनाया जाएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि 17 तारीख को ये बंद हो सकता है क्योंकि 17 सितंबर को इसकी अगली सुनवाई है। उसमें क्या कुछ होगा हम आपको अपडेट देते रहेंगे। शुक्रिया।